तमिल संगमम कार्यक्रम के आज समापन का दिन है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आज बनारस पहुंचे हैं। और आप देखिए यहां पर लंका पर चाची की कचौड़ी की ये जो दुकान है यहां पर पहुंचे हैं और इन्होंने बनारसी स्वाद को आज महसूस किया है। आप देखिए यहां पर किस तरह से कचौड़ी खा रहे हैं, बनारसी जलेबी, और इस जलेबी का स्वाद धर्मेंद्र प्रधान जी और आप देखिए यहाँ पर जो बनारसी जलेबी का स्वाद है और जो मिठास है, और आईटी वाले डॉक्टर साहब आप देखिए यहाँ पर किस तरह से धर्मेंद्र प्रधान जी, जो काशी की जनता है, जो मंत्री लोग हैं, जो विधायक लोग हैं, वह सभी मौजूद हैं, तो बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि धर्मेंद्र जी। तो आप देखिए चारों तरफ आपको यहाँ पर बीजेपी के समर्थक मिले हैं और ये वो चौराहा है लंका और ये वो जगह है जहाँ पर अपने आप जो राजनीति की कहते हैं कि पहली जो सीढ़ी होती है वो भी चढ़ने को। तो धर्मेंद्र जी स्वाद तो आपने लिया, कैसा लगा बनारसी जलेबी? बनारसी जब मैं काशी तमिल संगमम के उद्घाटन के समय में आया था, हमारे बीएचयू के बीसी जैन साहब ने मेरे को कहा कि साहब यहाँ चाची की कचौड़ी है, पूरा बीएचयू पूरा बनारस वहीं आते हैं सुबह सुबह कचौड़ी खाने के लिए, नाश्ता करने के लिए। उन्होंने मेरे को आज निमंत्रण दिया, हमारे मित्र रविंद्र जी, दयालु जी और बाकी सब मित्रों ने कहा कि हम लोग मिलकर चल के आज नाश्ता चाची के वहाँ करें। आज काशी तमिल संगमम के समापन है, उसी अवसर पे गृहमंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, मैं पहले आ गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं आज यहाँ काशी में चाची की कचौड़ी खाया, गरम जलेबी खाया और बहुत अच्छा लगा। आप देखिए यहाँ दिखाइए, पेटीएम भी मौजूद है। जो प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखा है डिजिटल इंडिया होगा, आज विश्व भर में डिजिटल पेमेंट में, डिजिटल ट्रांजैक्शन में भारत सबसे ऊपर है। समाज की सभी वर्ग के लोग कैश छोड़ के, नगदी छोड़ के डिजिटल पेमेंट में जा रहे हैं, यानी यही दर्शाती है देश की मिजाज। देश आधुनिक हो चुका है, देश आगे बढ़ रहा है, कारोबार पारदर्शी हो रहा है, छोटा हो या बड़ा हो। बहुत अच्छा लगा चाची के वहाँ आके। यहाँ बौद्धिक और राजनीतिक चर्चा भी होती है धर्मेंद्र जी, और इसके पहले अगर कह दे तो आप यहाँ आते, बनारस की बात मैं कर रहा हूँ, आते भी रहे हैं, निकाय चुनाव भी है उसके पहले है। हम तो आज चौड़ी का आनंद ले रहे हैं, चौड़ी का तो जलेबी की मिठास भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया है, जलेबी की कचौड़ी का तीखापन और जलेबी की मिठास दोनों। नहीं नहीं, अभी अभी बहुत गर्म जलेबी खाए, लो शुगर था, बहुत अच्छा लगा। तो राजनीतिक चर्चा से बच जरूर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बनारसी स्वाद को चखा और उसकी सराहना करते हुए भी नजर आए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज काशी की सड़कों पर, और आप देखिए ये भगवा साफे में पूरी तरह से काशी के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। आज इन्होंने बनारसी कचौड़ी, बल्कि यूं कहें तो जो लंका की प्रसिद्ध कचौड़ी वाली अड़ी है वहाँ पर समय बिताया, कचौड़ी जलेबी खाई, इसके बाद मलइयों भी खाया, अब बनारसी पान की ओर बढ़ रहे हैं। तो धर्मेंद्र जी काशी की सड़कों पर काशी का स्वाद आप देखिए, ये देखिए आप आगे बढ़ते हुए और जो सड़क है, सड़क पे जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, जो नेता हैं, वो सभी धर्मेंद्र जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज काशी की सड़कों पर स्वाद वाला दिन भी है, जिस तरह से आज तमिल संगमम कार्यक्रम के समापन का दिन है, तो इस समापन के साथ ही आज जो तमिल और काशी की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, उसे दिखाने का प्रयास। तो मलइयों का स्वाद कितना अलग? अरे बहुत बढ़िया मलइयों, हम जब भी आते हैं खाते हैं। और जाड़े के दिन में पिछले बार जब काशी विश्वनाथ जी का नवकलेवर हुआ उस समय भी आया था, पहली बार मैंने मलइयों खाया। इस बार हमने तो रविंद्र जी को याद करके खाया, वही खिलाइए, अच्छा लगा। बनारस की विशेषता है, बनारस वाला पान भी अगली तैयारी। अरे बनारस की पान उड़ीसा से आता है,
पान का पत्ता उड़ीसा से आता है, हम तो बचपन से उसके बारे में हमको संज्ञान है और अभी पान खाएंगे। कहा जाता है धर्मेंद्र जी की हर चीज अलग अलग जगहों से आके बनारस में मिल जाती है और वो बनारस की हो जाती है। बनारस तो सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सभी चीजों का पान हो या ज्ञान हो, सभी चीजों का आदिस्थान बनारसी है। अच्छा, मैं लगातार कुछ राजनीतिक चर्चाओं पे बात करने का प्रयास भी कर रहा हूँ, तो आज जिस तरह से तमिल संगमम कार्यक्रम के समापन का मौका है, तो ये कार्यक्रम क्या संदेश दे जाएगा? देखिए तमिल, नमस्कार बाबा, काशी तमिल संगमम माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना की एक अद्भुत प्रयोग है। पुरानी दो संस्कृति, सभ्यता, भाषा जो हजारों साल पहले यहाँ जीता जागता अवस्था में था, फिर 21वीं सदी में जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर नई बन गई है, उसके उपरांत आज विश्व भर में उसकी चर्चा हो रही है। काशी के हर एक घर में, तमिलनाडु की हर एक घर में काशी के प्रति आकर्षण है। इसीलिए जो प्रयोग किया गया, वहाँ की समाज जीवन की विभिन्न लोगों को काशी लाया जाए, विश्वनाथ जी का दर्शन करवाया जाए, उनकी व्यवसाय के आधार पर यहाँ की लोगों को उनको मिलवाया जाए, बहुत अच्छा प्रयोग हुआ है। लगभग 5000 लोगों की तमिलनाडु से यहाँ आना हुआ, कला संस्कृति के लोग आए, व्यवसाय के लोग आए, छात्र, युवा, कलाकार, साहित्यकार, शिक्षक, बुद्धिजीवी, उद्यमी, सब लोग आए, महिला आए, पुरुष आए, युवा आए, अधिनम सब आए। ये सब के कारण आज देश में एक नई एकता की नई जागृति आई है, उसका बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव है। तो बनारस वाला पान खाए के और पूरा बनारसी मिजाज में देख रहे, पगड़ी वगड़ी करके यहाँ के जो ये पट्टी है, आप देखें केशव पान और यहाँ पे नए गुड़ की पट्टी भी खा ली इन्होंने, और आज पूरी तरह से स्वाद को महसूस करते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी काशी की सड़कों पर, और जिस तरह से काशी तमिल संगमम कार्यक्रम के समापन का मौका था तो यहाँ पर पहुँचे, और पहुँचने के साथ ही केशव पान लंका पर यहाँ इन्होंने पान के स्वाद को भी ग्रहण किया है, और पूरी तरह से इस कार्यक्रम के बारे में बताते हुए आने वाले समय की एक रूपरेखा किस तरह से काशी और तमिल के संबंधों को दर्शाएगी इसके बारे में बताया। पहलवान की लस्सी और पहलवान का मलइयो वैसे तो पूरे बनारस में मशहूर है, लेकिन आज यहाँ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मलइयो खाया और इन्होंने काशी वाली पगड़ी भी उन्हें पहनाई। तो पहले जान लेते हैं कि आज इनके भाव कैसे थे। अक्सर यहाँ पर फिल्मी हस्तियाँ हो या फिर राजनीतिक हस्तियाँ हो, सभी यहाँ पर आके इस स्वाद को चखते हैं। तो क्या क्या खिलाया धर्मेंद्र जी को आप? सर्वप्रथम आपको समस्त काशी वासियों की तरफ से, पहलवान लस्सी की तरफ से हर हर महादेव, सुप्रभात। क्या क्या खिलाया और कैसा रहा ये? सर हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रतिष्ठान पर लोग आते हैं, मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझता हूँ, उनका प्यार है ये। और जब आप धर्मेंद्र प्रधान जी आज आप आए तो उनको काशी की विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई जिसको हम मलइयो कहते हैं, जो केवल जाड़े के दिनों में ही बनती है, उसका सेवन मैंने कराया। वो खा के बोले वाह बहुत सुंदर। सुना है सर्दियों में ये गर्मी का एहसास कराता है? जी हाँ, सर्दियों में ये गर्मी का एहसास कराता है क्योंकि इसके अंदर केसर भी होता है और केसर ऊर्जा प्रदान करता है, इसलिए सर्दियों में ये गर्मियों का एहसास कराता है। इसको खाने के लिए देश ही नहीं विदेश से भी लोग देखी आते हैं। राजनीतिक गर्मी भी यहाँ पे चल रही है, निकाय चुनाव भी है, कुछ चर्चा वर्चा नहीं किया आपने? सर इतना वो रश हो गया कि कुछ बोल नहीं पाए, वरना चर्चा क्या करना है। एक कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है, तो इसलिए जो विकास करेगा जनता उसको आगे लाएगी। तो जो दिखता है वो बिकता है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन आज इस मलइयों का स्वाद लेके धर्मेंद्र प्रधान भी काशी के स्वाद को सराहते हुए नजर आए। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।